एंड वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर अबाउट ह्यूमिडिटी, और उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ी बात हुई थी, और इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी कि इट इज़ द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये वेट है एक्चुअली, एंड इसका यूनिट अगर पढ़ा जाए तो डेट इज़ ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, और वेट टू वॉल्यूम रेशियो है, कितने वॉल्यूम में कितना वजन पानी का है, डेट इज वट इज वी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है इसका प्रॉब्लम ये है कि एट अ गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एयर चेंजेस, ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता वॉल्यूम एयर का किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्योंकि आपको पता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर मॉलिक्यूल्स में फ्लक्चुएशंस बढ़ जाती है, ठीक है ना, आप देखते हैं कि वार्म एयर जो है वो ऊपर उठती है और कूल्ड एयर जो है ठंडी हवा जो है वो नीचे को बैठती है, तो एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस तेज हो जाती हैं टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर एक्चुअली है ही ये चीज़ है ना, वाइब्रेशंस को स्टडी करना ही टेम्परेचर को कहते हैं, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वो मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव कर रहे होंगे, उतना उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की एक एक चैम्बर के अंदर, सो द वॉल्यूम विल एक्सपैंड, ठीक है ना। वो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि गर्म करने से चीजें फैलती हैं और ठंडा करने से चीजें सुकड़ती हैं। आप एक बैलून में अगर एयर को भरें, सपोज दैट दिस इज अ बैलून एंड दीज आर एयर मॉलिक्यूल्स इन इट, इफ यू हीट इट अप, इसको हल्का फुल्का किस तरीके से आप हीट करते हैं बैलून को या इसके अंदर की मौजूद एयर को थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं देयर वाइब्रेशनल एनर्जी विल एक्सपैंड एंड दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग इन वन अदर विद मोर वेलोसिटी, जिससे ज्यादा तेजी से एक दूसरे का टक्कर खाएंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन काज करेंगे और प्रेशर इंसर्ट करेंगे ऑन दी बैलून, जिसकी वजह से बैलून ज्यादा फैल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर यही ठंडक में चला जाए तो ये वाइब्रेशन जो है ये सीज हो जाएंगी, कम होनी शुरू हो जाएंगी, वाइब्रेशन थोड़ी होंगी और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्यादा सुलह सफाई के साथ रहना पसंद करेंगे, टक्करें थोड़ी मारेंगे, थोड़ी जगह ऑक्यूपाई करेंगे। ये ऐसे ही है कि खदीजा या गुल हम फर्ज करें कुर्सियों पर बैठे हैं और मैं आप सब ने अपने अपने हाथ बंद किए हुए हैं, सो आई नीड लेस स्पेस टू सारी क्लास को अगर मैंने बिठाना हो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस के अंदर, देन आई विल हैव लेस स्पेस एंड आई कैन एकोमोडेट मोर स्टूडेंट्स इन दैट लिमिटेड स्पेस, क्योंकि वो हरकत नहीं कर रहे, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे। लेकिन अगर सारे बच्चे अपने अपने हाथ खोल लें, खदीजा कहें जी सर जितने मेरे हाथों का फैलाव है इसके अंदर अंदर मैंने किसी को बैठने देना, मैंने ये सारी जगह लेनी है, सेम इज विद गुल, सेम इज विद अवैस और अदर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि वो कम लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और उसकी वजह से क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक्चुअली यही चीज है कि वो ह्यूमिडिटी, वो पानी जो है उसमें, वो कहने को तो ठीक है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वजन है, लेकिन ये वॉल्यूम वेरी करता है, ये वॉल्यूम वेरी करता है, इसलिए ये आप देखते हैं इतना ज्यादा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे बात नहीं होती रियल लाइफ में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती नॉर्मल लाइफ रूटीन में, लेकिन साइंटिफिक वे में ये इस्तेमाल होती है और किसी खास टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के ऊपर लास्ट टाइम बात हुई थी कि इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर, ये वेट टू वेट रेशियो है, हवा का भी वजन कर लिया और वाटर वेपर्स का भी कर लिया। अब वजन जो है, वजन तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स का होना है, ठीक है ना, ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनका वजन होना है, तो वजन तो उतने रहेगा, वॉल्यूम वेट चाहे वो जैसे अब हमारी क्लास में अगर पांच बच्चे हैं, पांचों का इकट्ठा वजन कर ले, में चाहे दूर दूर बैठ जाए चाहे करीब करीब बैठ जाए, वजन तो वही रहेगा उनका, वॉल्यूम बदल सकता है, वो ज्यादा दूर हो सकते हैं, वो ज्यादा करीब हो सकते हैं, सो द वेट विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। यही वजह है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज्यादा इस्तेमाल होती है, ये आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में देखते हैं, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है ये कॉन्स्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती, इट डू नॉट अफेक्ट दिस, वो कहता है टेम्परेचर और प्रेशर डू नॉट अफेक्ट दिस टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी, इस ह्यूमिडिटी को टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करते और ये कॉन्स्टेंट रहती है। यही वजह है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज मोरली मोस्टली यूज इन अवर डेली लाइफ। और उससे भी अच्छी एग्जाम्पल, आम लोगों को समझ आने वाली एग्जाम्पल, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है कार्गो में, तो ये बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी की किस्म है और इसमें बड़ी नजर आ रही है कि जनाब ये तो समझ भी आ रही है, लेकिन एक्चुअली द प्रॉब्लम इज के हवा जो है बूरे वाला की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, वाटर वेपर्स कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वेरी करता है एज कम्पेयर टू जो कि फैसलाबाद की एयर में है, इसी तरह ये वेरी करता है जो कि विहाड़ी की एयर में है, ठीक है ना, इवन के विद इन विहाड़ी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एरिया विद इन विहाड़ी इन एवरी स्ट्रीट, हर गली के अंदर एयर कंपोजिशन चेंज हो सकती है,
और उस कंपोजिशन के चेंज होने से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी। यही वजह है कि ये भी इतना कोई, ऑल्दो ये टेम्परेचर प्रेशर से वेरी नहीं कर रही, लेकिन ये कंपोजिशन ऑफ एयर से मैटर कर रही है जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये इसकी लिमिटेशन है। देयरफॉर वी कम टू द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक रिलेटिव मेजर है, ये समझने में आसान है। और ये क्या होती है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द अमाउंट ऑफ वेपर फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर विच मे बी प्रेजेंट एट इट्स सैचुरेशन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ सैचुरेशन, मतलब मैंने आसान अल्फाज में लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये है कि टोटल हवा कितना उठा सकती है एयर मॉइस्चर को, टोटल कैपेसिटी उसकी कितनी है, सीएपी कैपेसिटी के लिए मैं सीएपी लिख रहा हूँ कैपेसिटी, एंड व्हाट इज इट्स करंट कैपेसिटी, उसने कितनी उठाई हुई है एयर, ठीक है ना। अब ये बात समझ में आती है, क्योंकि अब ये हर हवा का अपना हिसाब होगा, हर बार का हवा का अपना हिसाब तरीका होगा, कंपोजिशन से चेंज होगी, एयर से चेंज होगी, मॉइस्चर से, लेकिन हमें उसमें फर्क नहीं पड़ता। हम इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम कहते हैं, आप अक्सर ये नॉर्मल रूटीन में वेदर स्टेशन वालों को सुनते हैं, आज ह्यूमिडिटी 65% है। इट हैज नथिंग टू डू कि ये 65% का मतलब है कि जितनी एयर है इसमें 65 मॉलिक्यूल्स या 65 ग्राम या 65 यूनिट्स जो है वो वाटर के है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस एरिया से ये मेजर की गई है वो जितनी हवा उठा सकता था उसका 65% उसने उठाई हुई है, ठीक है। अब वो एयर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सर्दियों के मौसम में देखें तो ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा कम वो मॉइस्चर को उठाएगी, ठीक है, जबकि गर्मियों में वही हवा गर्म हो जाती है तो ज्यादा मॉइस्चर को उठाती है। तो ह्यूमिडिटी नेवर एक्सीड्स अप टू रियल लाइफ एग्जांपल में आप देखते हैं 80-90% ह्यूमिडिटी नहीं होती मौसम में कभी भी, ना सर्दियों में ना गर्मियों में, 40-45-60-65 तक चलती है। बाद में लिखा होता है फील्स लाइक, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये मैक्सिमम यही रेंज होती है 40-50-65, यही रेंज होती है चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। क्यों? क्योंकि साथ जैसे जैसे वो सर्दियां आती हैं तो टोटल कैपेसिटी भी कम होनी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे गर्मी आती है टोटल कैपेसिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे करंट कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। ये ज्यादा इस्तेमाल होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था, आज हम इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं आप बना लें। ये तीन डेफिनेशंस पेपर में पूछी जा सकती हैं और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी चीजें कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। तो ओके, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, वी विल मूव अहेड। ये अब कुछ इसने जनरल एग्जांपल दी हुई है, ये देखें इधर, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी विद अ कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये एक उसने खास एयर ली है, हवा ली है कहीं से, तो एक चैम्बर में बंद की और उसको डिफरेंट टेम्परेचर पर लगा रखा, जीरो पर रखा। देखें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, क्योंकि वो ग्राम टू ग्राम रेशियो है और वो टेम्परेचर प्रेशर से चेंज नहीं होती, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब हवा के एक किलो में, इसका मतलब यह है कि हवा के एक किलो में 3.8 ग्राम पानी है, इसका मतलब ये है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। लेकिन ये आम इससे हमें क्या लेना देना, ये तो कांस्टेंट रहती है। लेकिन एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग विद अस, कि ये देखें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे चेंज हो रही। अब यहाँ पर ठंडे टेम्परेचर में ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हवा की कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, हवा उठा ही नहीं सकती मॉइस्चर को 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो नतीजे के तौर पे नीचे भी ऑलमोस्ट पॉइंट समथिंग आता है और ऊपर भी पॉइंट समथिंग ही होता है, एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इट विल गोस टू 100%। आप कभी फ्रिज का ऊपर वाला चैम्बर खोल कर देखें, फ्रीजर का, एंड यू विल फील, अगर कभी लाइट चली जाए तो अंदर मॉइस्चर पैदा हो जाता है, नमी पैदा हो जाती है। वो नमी कहाँ से आ जाती है, ठंडक की वजह से। क्यों? वो एक्चुअली एयर कैरिंग कैपेसिटी, हवा ठंडी है और वो मॉइस्चर को उठा नहीं पा रही और सर्कुलेशन बंद हो चुकी है, तो एयर गोज टू 100%, वो 100% कैरिंग कैपेसिटी पे चली जाती है और आपको मॉइस्चर नजर आना शुरू होता है, फ्रिज में नमी आ जाती है। फैन के अंदर चलते रहे, फ्रिज से एयर सर्कुलेशन, फ्रिज अपनी एक सर्कुलेशन करती है हवा की अंदर, तो वो चलती रहे उससे ठीक रहती है। इसी तरह ये देखिए 5% पर 70% हवा की कैरिंग कैपेसिटी 70% हो गई है 5 डिग्री पर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम मॉइस्चर उठा रही है, यहाँ पर मैं ये भी एक चीज क्लियर कर दूँ, इट मीन्स के वो ज्यादा मॉइस्चर उठा सकती है, समझ रहे हैं। वो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है इस वाली एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम ये है कि वो हवा उन्होंने एक डब्बे में बंद की हुई थी और उस डब्बे के अंदर एयर बंद है और उसको बाहर से कोई मॉइस्चर नहीं मिल रहा, वो इसके अंदर मौजूद है, जो उसने मॉइस्चर उठाया हुआ है वो सारा उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब 100% पे वो ऊपर वाला तो कॉन्स्टेंट हो गया ना, ये तो फैक्टर कभी चेंज ही नहीं हो सकता, बिकॉज
ये ऑलरेडी जो हवा उसके अंदर कैप्चर थी वही है, वो बाहर से कुछ मॉइस्चर दे ही नहीं रहे उसको। ओनली थिंग विच विल चेंज इज इट्स कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले देखें 100% थी, ये ऑलमोस्ट बराबर थे दोनों, ले जैसे 5 डिग्री पर गए 70% होगी, जैसे 10 पर गए 50 होगी, जैसे 15 पर गए 36 होगी, जैसे 20 पर गए 26 होगी, जैसे 35 पर गए 11% होगी। अब एक्चुअली अगर वही हवा जो इसमें बंद है ना, अगर इसको 0 पर ठंडा करें और आप इसमें सांस लें, आप कहेंगे बहुत नमी है इसमें, हालांकि हवा वही है, लेकिन अगर इसी को आप 35 डिग्री सेल्सियस पर करें, आप कहेंगे इट इज टू ड्राई फॉर मी, ये बहुत ठंडी है, ये बहुत खुश्क है मेरे लिए, हालांकि मॉइस्चर उतना ही है उसके अंदर, बट एक्चुअली द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच इट कैन कैरी वो इससे कहीं ज्यादा उठा सकती है हवा, तो इसलिए वो आपको खुश्क दिखती है, खुश नजर आती है, खुश्क फील होती है, ठीक है ना। वो मॉइस्चर आपको आपकी स्किन के साथ स्टिक नहीं करता, वो मॉइस्चर आपकी स्किन के साथ लगता नहीं, आपको फील ही नहीं होता वो मॉइस्चर, हवा ने ऐसा उठाया वो उसको, उसकी कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा मॉइस्चर। तो आई होप मैंने ये चीजें क्लियर कर दी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉमन टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, एंड आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर कोई सवाल है आप माइक्रोफोन ऑन करके भी पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन जो भी मैंने बताया अभी जो साइंस समझाई है। नेक्स्ट, ये नीचे से सारा जो ये उसने जनरल बातें, ये वही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आपको वैसे ये एक्सप्लेन कर दी है। उसने कहा है कि ये रियल लाइफ में आप कैसे इसको देखते हैं कि डेली वेरिएशन, अगर आप सुबह सुबह उठ के देखें मॉर्निंग में, तो सुबह सुबह आप काइंडली अपना माइक्रोफोन बंद करें, पहली बात तो ये है कि क्लास में जब आना होता है, मैंने पहले ये समझाया कि किसी सेंसिबल प्लेस पर बैठकर क्लास लिया करें। आई एम वेरी एंग्री फ्रॉम द पर्सन जो क्लास में ऐसे मिसबिहेव करता है, मैं आइंदा से क्लास से निकाल दूंगा आपको। नंबर वन, बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आपके पास आप किसी शोर वाली जगह में बैठे हैं, देन देर इज नो नीड टू टर्न ऑन योर माइक्रोफोन, यू कैन चैट मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सारी क्लास का माहौल खराब हो जाता है, ठीक है। कोशिश किया करें ये आइंदा से काम कभी ना हो ये वाला। अव्वल तो जब क्लास लेने लगे किसी साइलेंट प्लेस पर बैठें, अलग होकर बैठें ताकि आपको समझ भी लगे मैं क्या बात बता रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, अगर कहीं जरूरत होती है तो माइक्रोफोन ऑन करने से पहले देख लिया करें मैं किस जगह पर बैठूं। ओके, तो इसमें ये यहाँ पर उसने एक्सप्लेनेशन दिया, उसने कहा था डेली वेरिएशन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप सुबह सुबह जब उठते हैं आपको खुनकी फील होती है, आप कहते हैं बहुत ठंडक है, बहुत नमी है, यही वजह है कि जब सुबह सुबह आप उठते हैं आपको नमी नमी फील होती है, हाथ पे भी शबनम के कतरे पड़े हुए हैं, ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई इन द एयर, लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर आता है आपके 12 नून दोपहर का टाइम होता है, खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, वही हवा में वही जो मॉइस्चर उतना ही होता है, लेकिन वो हमें फील नहीं हो रहा होता क्योंकि एयर गर्म हो चुकी है, ठीक है ना। ये आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसलिए उसने समझाया कि आपको पता चल जाए कि नॉर्मल लाइफ में कैसे चलता है। ओके, तो ये अब आगे है इसके अंदर, एक वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्ट ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू वेपर प्रेशर, इसको छोड़ दे वैसे, इसको रहने दे, वेपर प्रेशर हम नहीं अभी डिस्कस करते, वो फिर ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज है जो आपको करवानी है, दैट इज दिस वन, और जो आज के लेक्चर की हमारी मेन थीम होगी वो तो रिविजन थी। देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, हवा में जो मॉइस्चर या नमी होती है ना उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसमें से कुछ आपको पता है, कुछ आपने नहीं देखी, कुछ हमारे इलाकों में होती नहीं है, ठीक है ना, वो आज हम सारी डिस्कस करते हैं। एंड दीज फॉर्म्स आर कौन कौन सी हैं, नंबर वन ये ह्यूमिडिटी की या मॉइस्चर की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, नंबर वन रेन बारिश, स्नो, वेपर, फॉग, स्लीट, हेल एंड ड्यू, और इन सब के दरमियान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सात के दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये आज जरा गौर से सुन लीजिएगा। रेन, सबसे पहली बारिश, रेन फॉर्म्स व्हेन द कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट। बारिश कहता तब होती है, ये मैं यहाँ पे साथ ना एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मुझे जगह मिले डायग्राम बनाने के, तो ये मैं साइड पर इस तरफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये फर्ज करें नीचे जमीन है, ये आप जमीन पर बैठे हैं, ये आपके छोटे छोटे इस पे घर भी बने हुए हैं, सारा कुछ है, एंड द क्लाउड्स आर इन द टॉप, बादल तो ऊपर है हवा में काफी ऊंचे हैं। इस जगह पर ऊपर जो हवा का टेम्परेचर है दैट इज कोल्डर, नीचे जमीन गर्म हो जाती है तो ये हिस्सा इसका टेम्परेचर जो नीचे वाली एयर है
ये कभी भी फ्रीजिंग तक नहीं जाता, रात के वक्त जाता है तो फिर कोरा बन जाता है और आप कहते हैं जी बड़ा कोरा पड़ा है, लेकिन आमतौर पे ये जमीन के गर्म होने की वजह से ये हिस्सा गर्म ही रहता है ज्यादातर। यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, यहाँ पे हवा जो है नॉर्मली हॉट रहती है, लेकिन ऊपर जो है एज सच रेडिएशन इसमें से गुजर रही है लेकिन वो इसको हीट नहीं कर रही, तो ये ठंडी ठंडी हवाएं होती है। व्हेन द एयर टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट बिकम्स फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग का फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर गया, ये लिखा हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर गया, ये लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो क्या होगा, एक मिनट मैं इसको इरेज करूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अब क्या होगा, अब जो बादलों में ऊपर हवा मौजूद, हवा ने उठाए हुए थे ये बादल वगैरह और ये पानी उठाया हुआ है, वो कंडा वो एक एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको बादल की शक्ल में नजर आ रहा है जहाँ पे कंसंट्रेटेड है। अब क्या होगा, जब इसके साथ बहुत ज्यादा ठंडी हवा टकराएगी, तो वही जब भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, आपने देखा है कि वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने कैसे पढ़ी थी, कि टोटल कैपेसिटी एयर की कंट्रोल होती है विद इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर से ये बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा चीजें उठा सकेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल कम चीजें उठा सकेंगे। वाई, बिकॉज उनकी वाइब्रेशन चीज हो जाती है, एक मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा वाइब्रेट करता है हाई टेम्परेचर, उसको ज्यादा एक्टिव हो जाता है हाई टेम्परेचर पर, और वो बहुत थोड़ा एक्टिव होता है एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे ही इसको 0 डिग्री सेल्सियस की एयर मिलती है ना, ये क्या करते हैं, ये हवा में जो उसकी हवा ठंडी होती है और वो इन बादलों को और ज्यादा नहीं उठा सकती। नतीजे के तौर पे वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हवा में मौलक थे, दे विल स्टार्ट कंबाइनिंग विद वन अनदर, वो एक दूसरे का जुड़ना शुरू कर देते हैं हवा के अंदर, एंड दे बिकम्स हैवियर एंड हैवियर। और आपको एक और चीज भी यहाँ पे पता है, वो क्या, वॉटर जैसे जैसे ठंडा होता है उसकी डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, पढ़ के आए हैं ना। तो अभी तो पानी हवा में जो था इसकी डेंसिटी ये माइक्रोस्कोपिक था, लेकिन जैसे ये जुड़ना शुरू हुआ ये और डेंस होना शुरू हो गया, और उधर से हवा भी इसको उठाने के काबिल नहीं रही। तो नतीजे के तौर पे ऑल दीज पार्टिकल्स, ऑल दीज ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ वॉटर, दे विल कम टू द ग्राउंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस इज कॉल्ड रेन। ये यहाँ पे रेन की डेफिनेशन लिखी है, और मेरे ख्याल में ये बड़ी क्लियर डेफिनेशन है। रेन फॉर्म्स, ये मैं एक बार फिर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हम करते हैं हाईलाइट पर्पल कलर से, दिस वन हेयर। रेन फॉर्म्स ऑफ एटमोस्फेरिक मॉइस्चर टेक प्लेस एट टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट। समझ लगी इस बात की आप, जब कहता कंडेंसेशन फ्रीजिंग से ऊपर होगी तो रेन बारिश होगी। अच्छा, रेन क्लियर होगी कि बारिश कैसे होती है। सेकंड वन इज स्नो। अब स्नो क्या है, स्नो बर्फबारी है, वो कैसे होती है, इट फॉर्म्स व्हेन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंसेस एट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, ये क्या होता है आमतौर पे इसमें, कि वो जो ऊपर से बारिश हो रही है ना, ये मॉइस्चर कंडेंस हो रहा है, ये मॉइस्चर नीचे आ रहा है सारा, ठीक है, और ये नीचे ये हमारी जमीन है। सपोज दिस इज अवर, मैं ये सेंटर वाली सारी चीजें रिमूव कर दूं ताकि आपको नजर आए जो मैं बात बताने लगा, ये बारिश जनाब बादल से निकली एंड नाउ इट इज कमिंग टू द ग्राउंड, बट द कोल्ड एयर इज बिलो फ्रीजिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर इतना ठंडा है कि इट इज इवन गोज बिलो फ्रीजिंग, इट इज गोज टू -10 और समथिंग लाइक दैट, बहुत ठंडा टेम्परेचर है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स बादल से निकले थे, दे विल इमीडिएटली फ्रीज, ये वहीं पर जम जाएंगे, ये वहीं पर जम जाएंगे, और ये जमे हुए जो है, although now they are light in weight, आपको भी बारिश को देखें, बारिश की velocity काफी तेज होती है वहां पर गिरने के। कभी आपने स्नोफॉल देखी है, मेरे नहीं ख्याल, आपने तो शायद किसी ने देखी हो अगर कोई मरी वाली साइड पर स्नोफॉल में गया हो। स्नोफॉल बारिश की तरह इतनी तेजी से जमीन पर नहीं गिरती, दे आर वेरी लाइटली, वो ऐसे जैसे फ्लोट करके गिर रहे हो पानी कतरे, वो ऐसे गिर रहे होते हैं, हवा के साथ मूव कर रहे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जस्ट लाइक स्पोर्स, और वो जमीन पर गिर रहे होते हैं। व्हाई, बिकॉज हम ये भी पढ़ के आए हैं कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर मैक्सिमम है, जब ये फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री पर इट विल बिकम आइस, द डेंसिटी ऑफ आइस इज अगेन लोअर, कम हो जाएगी, और नतीजे के तौर पर क्या होगा, ये एयर के साथ हवा के साथ इसका इंटरेक्शन, ये सॉलिड फॉर्म में आ गया है और हवा इसको फिर आसानी से मूव कराती है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, इसकी गिरने की रफ्तार भी कम हो जाती है और ये आमतौर पे फ्लोट करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन मेरे ख्याल में आपको चीज क्लियर होगी। स्नो फॉर्म्स व्हेन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंसेस एट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट,
वो था एट फ्रीजिंग पॉइंट, ऊपर वाला, दोनों में फर्क देख ले। ये है अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, ये जीरो डिग्री भी नहीं है, जीरो से ऊपर ये टेम्परेचर। अभी जीरो भी नहीं हुआ, जीरो पे तो फ्रीज हो जाएगी चीजें, ये इसको जीरो नहीं करते। हम कहते हैं सपोज दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस, जो हवा चल रही थी वो 4 डिग्री की थी बारिश के केस में, ठीक है ना। अबव फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से ऊपर है, अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा तो बर्फ जम जाएगी और बर्फ बर्फ पड़ने लग जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर, बारिश कब होगी, जब टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग हो और बादल कंडेंस हो, देन इट विल बी रेन। बर्फ कब पड़ेगी, जब वो टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग हो तो बादल जो है वो बारिश की बजाय बर्फ बरसाएगा, बर्फ वहां पर गिरेगी, बर्फबारी होगी। अच्छा, ये हो गया। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे बादल हो, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर बादल हो तो तभी बर्फबारी होनी है, ये जरूरी नहीं है। एयर में वैसे ही मॉइस्चर है, जो एयर ऊपर से मूव कर रही है उसमें मॉइस्चर एग्जिस्ट करता है, और वो किसी ऐसी पॉकेट में आ जाती है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कोल्ड है, तो वो जो उसके अंदर हिडन मॉइस्चर आपको नजर नहीं आ रहा, वो भी कंडेंस होकर बर्फबारी का बाइस बन सकता है, ये भी यहाँ पे चीज क्लियर कर ली। अच्छा, उसके बाद स्लीट, ये स्लीट एक ऐसी चीज है जो मैंने भी नहीं देखी, यानी हमारे मुल्क में ये नहीं होती स्लीट। व्हेन अ रेन फॉल्स थ्रू अ थिन लेयर ऑफ एयर विद टेम्परेचर बिलो देन फ्रीजिंग पॉइंट, स्लीट इज फॉर्म्ड। स्लीट एक स्नोफॉल की ही टाइप है, दिखने में बिल्कुल बारिश जैसी है, ये जमे हुए कतरे होते हैं बारिश के, आसान अल्फाज में अगर बात करूँ। ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से चीजें, इसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ कैसे होता है। कि ऊपर टेम्परेचर फर्ज कीजिए, बादल के पास जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री ही था, वो आपके सामने बना हुआ है। अब 4 डिग्री पे क्या होगा, रेनफॉल होगी, आप सबको पता है इस बात का, रेनफॉल विल बी देयर एंड द ड्रॉपलेट्स विल बी कमिंग डाउन टू द सॉइल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो बहुत तेजी से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर की रफ्तार से वो नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं, वेलोसिटी उनकी बढ़ती जा रही है पर सेकेंड की रफ्तार से। अब क्या है, रास्ते में जब वो हवा में से गुजर रहे थे, सेंटर में एक हवा का एक कह लें कि एक बैंड ऐसा आया हवा का जिसमें एयर का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग था। मैं इसको येलो कलर से जाहिर करूंगा, ये एक थिन बैंड, उसने यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की है, अ थिन लेयर, अ लेयर ऑफ एयर विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। एक बारीक सी लेयर आई जिसके अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री या इससे भी नीचे था, मैं कहता हूँ -10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, देयर विल बी अ क्विक फ्रीज, एक तेजी से जमना शुरू करेंगे और ये तेजी से जमेंगे, ये जब इनमें से गुजरेंगे ड्रॉपलेट्स दे विल फ्रीज, और जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा कि दे विल फॉर्म दी स्लीट। और अगर आप गूगल पर सर्च करें, मैंने भी वैसे जब ये मैंने पढ़ाया तो मैंने सर्च किया, क्योंकि हमारे मुल्क में ये नहीं होती, तो स्लीट मैंने देखी, आप उसकी वीडियो देखें, वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे बारिश हो रही है, उसको देखें तो वो बिल्कुल बारिश की तरह ड्रॉपलेट्स वेलोसिटी के साथ बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर देखते हैं तो वहां पे बारिश की बजाय छोटे छोटे जो है वो आपको बर्फ के टुकड़े नजर आएंगे, छोटे छोटे, ये ओले नहीं है, इसको ओले नहीं इसको बनाना, ओले साइज में बड़े होते हैं, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जस्ट लाइक ए वाटर ड्रॉपलेट और इवन उससे भी छोटे, ठीक है ना। तो स्लीट की डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर होगी और स्लीट भी पता चल गया। स्लीट हमारे आमतौर पे इतनी मैंने नहीं देखी, हो सकता कुछ आपने देखी हो। एंड द लास्ट वन इज देन हेल। हेल क्या चीज है, या ये जो हेल स्टॉर्म, ये जिसको आप ओले कहते हैं, ओले पड़े हैं जी, ओले क्या चीज है, इफ द एयर करंट कैरी द फ्रोजन पार्टिकल बैक अप सो दैट दे एक्युमुलेट अ थिकर कवरिंग ऑफ आइस बिफोर फॉलिंग अगेन, हेल इज फॉर्म्ड। ये हेल स्टॉर्म, ये मैं फिर रेज करने लगा हूँ यहाँ से आपको दिखाने के लिए, हेल स्टॉर्म कैसे बनते हैं, कि अगर बारिश के कतरे, फर्ज कीजिए टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग है एंड देर इज स्नोफॉल, बारिश होने लगी है और स्नोफॉल हो रही है, ठीक है, फ्रोजन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ना, फ्रोजन पार्टिकल्स मीन्स के वो स्नोफॉल होने लगी है, फ्रोजन पार्टिकल्स हैं, तो टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे ब्लैक से शो कर रहा हूँ इन चीजों को, टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट फर्ज कीजिए बिलो फ्रीजिंग है, हम कहते हैं माइनस फर्ज करें 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एयर गुजर रही है और उसने क्या किया, इसको फ्रीज किया एंड देर आर स्नो पार्टिकल्स जो के जमीन की तरफ आ रहे हैं। अब नीचे से हवा किसी तरीके से इसको फिर से उठा लेती है, ये नीचे गिर रहे थे, हवा ने इसको फिर से उठाया, इट कैरीज अवे, इसको फिर से उठाया, ये काफी देर हवा में मुअल्लक रहे, तो नतीजे के तौर पर क्या होगा, देर विल बी एग्लोमरेशन, ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे,
ये जुड़ेंगे इसके ऊपर, जो अगर ये बादलों में वापस चले जाते हैं वहां मॉइस्चर है, मॉइस्चर इनके ऊपर जुड़ेगा एंड दे विल गेट बिगर एंड बिगर इन साइज, ये साइज में बड़े होने शुरू हो जाएंगे। एयर की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि ये कितने कितने बड़े होंगे, वो कितनी देर इनको हवा में रखती है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जब ये बहुत बड़े हो जाएंगे और हवा इसको और ज्यादा हवा में नहीं उड़ा सकती, देन इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड, फिर से 9.8 मीटर पर सेकंड की बात आ गई। एंड ये भी, ये बारिश के खतरों से भी कहीं ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ गिरेंगे एंड दे विल बी राउंड इन शेप, और डिफरेंट शेप्स के होते हैं आपको पता है, उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। आप कहते हैं जी बाज जगह पर रोले पड़े हैं, लीमू के साइज के पड़े हैं जी, बाज जगह पर पड़े हैं जी बहुत छोटी छोटी गोलियां सी पड़ी हैं। दीज आर फॉर्म जब हवा में से ये बर्फ के टुकड़े नीचे आ रहे थे और हवा ने इनको फिर से उठा लिया ऊपर, इनको और फ्रीज किया, इनको सेकंड ट्रीटमेंट दी एंड देन दे आर ऑन द ग्राउंड, देन इट इज कॉल्ड हेल स्टॉर्म एंड दैट इज इट इज कॉल्ड हेल्स, ओले जिसको आप बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में ओले भी क्लियर हो गए, और यहाँ पर ओलों के हवाले से उसने कहा है दैट हेल स्टॉर्म्स डैमेज कंसिडरेबली टू द क्रॉप लैंड्स, ये क्रॉप लैंड्स को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, ये आपकी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अगर ये ओले पड़े। पिछले जितने भी थे स्नो था, स्लीट था, रेन थी, वो बजाते खुद ऐसा उनका डैमेज नहीं है, वो पत्तों पे गिरे भी तो वो पत्तों को काटते नहीं है, लेकिन अगर हेल स्टॉर्म पड़े तो वो इंस्ट्रूमेंट को भी डैमेज करेंगे, ग्लास को भी तोड़ेंगे और पौधों को भी तोड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद है ड्यू। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं जो मैंने अभी तक बताई। उसके बाद है ड्यू। ड्यू फॉर्म्स, ये ड्यू क्या होती है, शबनम के कतरे जो आप कहते हैं ना, ड्यू फॉर्म्स एट नाइट, रात के वक्त पड़ती है। कब? व्हेन एटमॉस्फेयर मॉइस्चर कंडेंसेस ऑन कोल्ड सर्फेसेस। ये जैसे वो एक ग्लास की एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था कि अगर एक पानी के ग्लास में आप ठंडा पानी का ग्लास लेते हैं, ठीक है ना, उसमें आप ठंडा पानी डालते हैं तो आप देखते हैं कि उस ग्लास के बाहर वाली सतह के ऊपर आपको कतरे नजर आते हैं। ये कहाँ से आ गए हैं? ग्लास को लीक नहीं करता और बाहर मॉइस्चर भी नहीं है, आपने कुछ कवर स्प्रे भी नहीं किया, व्हाई इट इज सो, ये ऐसा क्यों है? उसकी वजह वही जो भी हम पढ़ के आए हैं कि एयर कैरिंग कैपेसिटी विल वेरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। जब हवा बाहर, जो हवा चल रही थी वो ड्राई थी, वो गर्म थी, मैं कहता हूँ 35 डिग्री सेल्सियस की कमरे में टेम्परेचर की हवा है, मैंने हीटर चलाया हुआ है, बहुत गर्म हवा है। अब यहाँ पर अगर मैं ठंडे पानी का ग्लास रखूंगा तो क्या होगा, ये हवा जैसे ही इसके साथ टकराएगी इट्स टेम्परेचर विल ड्रॉप, और जैसे ही इसका टेम्परेचर गिरेगा इसकी कैरिंग कैपेसिटी साथ ही गिर जाएगी, इससे इसकी ताकत खत्म हो जाएगी पानी को उठाने की, और जब पानी को उठाने की ताकत खत्म होगी तो ये जिस जगह पर, जहां पर ये मौजूद होगी वहीं पर ये पानी छोड़ देगी। और आमतौर पर आपको पता है कि सरफेस के साथ टच होने पर सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है, तो सरफेस के साथ ये पानी के ड्रॉपलेट्स आप देखते हैं, बहुत बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि साइज में बड़े होते हैं और फिर बाद में बड़े बड़े कतरे बना देते हैं। ये सेम प्रिंसिपल जो ग्लास के साथ हो रहा है ये रात के वक्त हर रोज आपके फील्ड्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रॉपलैंड्स जो हैं, क्रॉपलैंड्स रात के वक्त या जमीन इटसेल्फ, रात के वक्त अगर आप जमीन की बात करें जो ठंडी है या पत्ते जो हैं वो ठंडे हैं, अब क्या होगा जब हवा इनके साथ टच करेगी तो वो मॉइस्चर इनके ऊपर छोड़ जाएगी, एंड यही वजह है कि आप देखते हैं कि सुबह के वक्त, रात के वक्त आप अगर देखें टेम्परेचर ठंडा है और सुबह सुबह उठकर देखें तो हल्की सी एक पानी की लेयर आपको फील होती है कि वो सबके ऊपर जो है वो बिछी हुई है, ठीक है। एक मिनट बच्चों इधर जरा वेट करना। ओके, तो ये जनरल बातें होगी। फॉग एंड मिस्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया, फॉग क्या होती है, हाई ह्यूमिडिटी में जो सेटल नहीं होते क्लाउड्स, अगर आपसे पूछा जाए फॉग होती क्या है तो आपने ये बात लिखनी है कि दीज आर लो क्लाउड्स, ये नीचे बहने वाले बादल है जो जमीन के ऊपर बैठते हैं एंड डू नॉट सेटल, इतने भारी जरूर है कि हवा में ऊपर नहीं उड़ सकते, इतने भारी हैं कि जमीन के साथ साथ रहते हैं, नीचे नीचे रहते हैं, सिर्फ नीचे वाली एयर में रहते हैं, लेकिन इतने भारी नहीं है। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपने मुझसे पूछी नहीं, मैं उम्मीद कर रहा था क्लास वाले पूछेंगे। सुबह टाइम जब सूरज निकलता है तो कहते हैं धुंध बैठ रही है, धुंध बैठ रही है, वो क्या कहानी है, किसी ने किसी को पता उसका? वो भी इससे लिंक है, वो भी इससे लिंक है। रात के वक्त मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, जब हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना होता है, जब रात के वक्त चांद निकलता है तो जमीन के साथ एक लेयर बन जाती है ठंडे टेम्परेचर की और हवा की एक लेयर बन जाती है, इससे क्या होता है कि इस एरिया में ज्यादा ठंडक होती है, ऊपर इतनी ठंडक नहीं होती। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो क्या होता है, नाउ एयर गेट्स वार्मर एंड वार्मर, और वो इस धुंध को फिर से उठाने के काबिल हो जाती है और ये धुंध गायब होनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसे लगेगा जैसे धुंध गायब हो रही है, एक्चुअली एयर इज कैरिंग दिस मॉइस्चर अगेन, उसको दोबारा से उठा रही है, और ये ऊपर से नीचे को डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, धुंध ऊपर से नीचे को खत्म होगी, क्योंकि सूरज की छुआएं जैसे जैसे लेयर्स को गर्म करना शुरू करेंगी
फॉग ने नीचे वाली तो सारी एयर को घेरा हुआ है ना, ये इस तरह सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं रही है नीचे ग्राउंड तक। तो अदरवाइज ग्राउंड से ये फिनोमिना ज्यादा तेजी से होता अगर जमीन पहले गर्म हो जाती, लेकिन सूरज की शुआएं ग्राउंड तक तो पहुंच ही नहीं रही, धुंध इतनी ज्यादा है। अब क्या होगा, जब सूर्य की शुआएं ऊपर से पड़ेंगी तो वो जिस जिस एयर के पार्टिकल को गर्म करना शुरू करेंगी, धुंध आहिस्ता आहिस्ता धूप की रोशनी से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। एंड आप देखते हैं अक्सर के अगर दिन के वक्त बहुत ज्यादा धुंध हो तब भी दोपहर या शाम के वक्त मौसम खुल जाता है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में कहीं बहुत ज्यादा सीवियर फॉग हो उस केस में मौसम नहीं खुलता, लेकिन वैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि वो खुल जाता है। और अगर बारिश हो जाए, एक सवाल और है यहाँ पर, अगर बारिश हो जाए फिर भी धुंध बैठ जाती है, वो क्या वजह है? वो वजह है कि कंडेंसेशन की वजह से। अभी वो जो हमने बात की कि धुंध के जो पार्टिकल्स हैं या फॉग के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में मुअल्लक हैं, वो इतने बड़े हैं कि वो हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हुए कि वो ग्रेविटी के एक्शन के नीचे आ जाए। लेकिन जब ऊपर से बारिश के कतरे गिरते हैं ना, वो इनको अपने साथ कंबाइन कर लेते हैं और इनको अपने डिजोल्व कर लेते हैं, और नतीजे के तौर पे क्या होता है कि वो धुंध छट जाती है, अगर बारिश हो जाए धुंध छट जाती है। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल में ये हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थी, हमने आज पढ़ी, और आई थिंक सब बच्चों को इसका पता चल गया, और बहुत सारे फिनोमिना है जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। और आखिरी चीज जो इसमें पढ़नी थी वो है जो डिवाइस इसको इस्तेमाल करती है वेपर कॉन्टेंट ऑफ ह्यूमिडिटी के लिए, उसका नाम याद कर लें, दैट इज साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर इज द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेपर प्रेशर, वेपर कॉन्टेंट्स ऑफ द एयर, ठीक है। और ये आमतौर पे उसने ये आगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको भी पढ़ लें कि दो थर्मामीटर होते हैं, एक वगैरह वगैरह, या मैं इसको ज्यादा वैसे इसको डिटेल में नहीं भी पढ़ा रहा, आप पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ लें, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, मैं इसकी ये रेस करने लगा हूँ चीजें। जी गुलेखंदा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हैंड डाउन कर दें अगर नहीं पूछना तो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, आई एम गोइंग टू रेज इट। तो ये हमारा आज का जनरल लेक्चर हुआ, और ये उसने ये वही बात जो मैंने अभी आपको दिखा रहा था, खैर इसको छोड़ेंगे उसने वो उसका। मैं नेक्स्ट क्लास में हम सॉइल मॉइस्चर स्टार्ट करेंगे, आज के दिन हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी और नॉर्मल फॉर्म्स, और ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द फॉर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वो जो छह किस्में अभी आपको पढ़ाई हैं वो छह किस्में कौन सी हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, यू मस्ट एवरी स्टूडेंट मस्ट नो, और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ।